रहे हैं कि हम 300 से प्लस ज्यादा 100 भी नहीं आएंगे, 100 भी हम खुलकम कह रहे हैं। एक इन्होंने नारा दिया था हर हर मोदी घर घर मोदी, मतलब हर हर मोदी इसको भगवान का दर्जा दिया और घर घर मोदी घर में भी इसको इज्जत दी। पर बंगाल में भी तो गए ना हम 200 प्लस लाएंगे, कहाँ गए ये मिट्टी मिल गए। किसान मजदूर जान चुका है, ना मंदिर है ना मस्जिद है, हिंदू मुस्लिम सब एक है। इब नहीं चलेगा कुछ भी दाव पेच इनके खत्म कर दिए सारे। महंगे नहीं करे, ये रोजगार मिल रहा हमने, ये हमसे ले रहे उल्टे। गुंडों की सरकार तो यहाँ सब में ज्यादा है, वहाँ कहाँ है। गद्दार सरकार है, गद्दारी करेगी। इतना सा बच्चा हमारे घरों में, इतना सा बच्चा भी समझ गया कौन क्या कर रहा है। यूपी में भी बंगाल वाला खेला होगा। यूपी जो है उसमें चुनाव है और योगी सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश भी महान है। अब तमाम लोगों का स्वागत है सर। आज किसानों का जमावड़ा है, यूपी में चुनाव है, किसान का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या कहेंगे आप लोग? हम ये कहेंगे कि हमें तो हमारे तीनों कानून हमारे वापस ले हुए। पहले आदित्यनाथ का कुछ नहीं उठेगा यूपी में, हम कह रहे हैं खुद खुल के आदित्यनाथ का कुछ नहीं उठेगा जी, हमारे पक्ष में नहीं है। योगी कह रहे हैं कि हम 300 से प्लस ज्यादा 100 भी नहीं आएंगे, 100 भी हम खुलकम कह रहे हैं 100 भी नहीं आएंगी। मशीन में ही अगर कोई गड़बड़ करा ले तो बात दूसरी करेगी। गद्दार सरकार है, गद्दारी करेगी। यूपी में गिरा देंगे बस। गद्दार सरकार है, गद्दारी करेगी। बटना में कमी, मशीन में कमी दिखाएंगी। हाँ। अगर 10 रुपए हर साल गन्ने पर बढ़ाए होते तो किसान कोई जाटी नहीं है, हर बिरादरी किसान है नहीं। 40 रुपए बढ़ते खाद उद पर सब पर बढ़ गए, मगर हमारा कि योगी सरकार नहीं आएगी। सरकार आएगी, मायावती ने 45 रुपए हमारे बढ़ाए थे। हाँ 40-45 बढ़ाए, मायावती की सरकार आएगी, हमारा जीव उद्योग होगा और ना कुछ नहीं होगा, इस देश का नाश जाना है। आप कह रहे हैं मायावती की सरकार आएगी, योगी सरकार कहती है मायावती या समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है। गुंडों की सरकार तो यहाँ सब में ज्यादा है, वह कहाँ है। योगी की तो आने की नहीं, योगी की तो आवे ना, उसने ऐसा काम करवा दिया, इस देश का नाश करवा दिया सारा। गन्ने पे 4 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा है और जो गन्ना भुगतान है वो किसानों का नहीं हुआ है। कह रहे हैं आपकी गन्ने की किसान पे नहीं बढ़ा और वो होर्डिंग लगा रहे, पोस्टर लगा रहे। भैया ऐसा है, इन्हें पूंजीपतियों से ले ली पैसा पैसा और ये बाहर जाने वाले नहीं है। इतना पैसा ले लिया कि इनके मुंह में फंस गई चकचुंदर। चकचुंदर ये वापिस ले तो मरे, नाले तो मरे, उधर बीमार नहीं इधर किसान। हाँ। ये मोदी की सरकार, ये सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है, ये मोदी की सरकार नहीं है। अगर एक इन्होंने नारा दिया था हर हर मोदी घर घर मोदी, मतलब हर हर मोदी इसको भगवान का दर्जा दिया और घर घर मोदी घर में भी इसको इज्जत दी। पर ये किसान के लिए मतलब सबको ठुकरा दिया, किसान गद्दारी बिल्कुल। अब ठीक है इसका किसान मोदी बिल्कुल नहीं, यहीं पर ही आप लोग। अब एक सवाल ये है कि ठीक है किसानों है कि गन्ना के लिए कुछ नहीं किया योगी सरकार, तो और आखिर किस बेस पे, किस मुद्दा पे योगी सरकार कह रही है कि हम बंपर जीत लाने वाले हैं 2022 में? किस अरे हम तो नहीं, किसी बेस पे नहीं है। अगर योगी सरकार ये देखती है कि योगी सरकार ये देख रही है कि जिला पंचायत में हमें बंपर वोटिंग हुई है, ये सब सत्ता का इलेक्शन होता है, अगर इस चीज को कोई 2022 से जोड़ने लगे तो ये बिल्कुल गलत है। 2022 में जो वोटिंग होगी वो जनता के द्वारा होगी। ये इनकी जो गुंडे सरकार है, इन्होंने तो ये जिला पंचायत के इलेक्शन में पता है सबने कैसे क्या किया है। नहीं एक बात और, बंगाल में भी तो इन्होंने कहा था हम 200 प्लस लाएंगे, बंगाल में भी तो कहा है ना हम 200 प्लस लाएंगे, कहाँ गए ये कहाँ गए फिर बंगाल में मिट्टी मिल गए। तो ये तो इनका कहना का वो है, कम तो बताएंगे नहीं, ये तो जो कहेंगे हम 300 प्लस लाएंगे। यहाँ वोटिंग का मामला नहीं है, मान लिया हमारा सामान हमारी रसोई है, हमारा तो जी उड़द चावल कर रहा, ये कहेंगे आगे ना नहीं छोला पूरी बनाओ, क्यों भैया हमारा तो जी उड़द चावल कर रहा, हम तो वो बनाएंगे, यो हटा लो नहीं कोई एलर्जी नहीं, हम तो दाल चावल खाएंगे। सवाल ये है आप लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार नहीं आएगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ वो आएगी। वो उनका कहना ये है कि हमने जो है युवाओं को रोजगार दिया है, महंगाई कम किया है, गरीबों को अमीर किया, इस वजह से वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुनो सिलेंडर डीजल पेट्रोल महंगे नहीं करे, ये रोजगार मिल रहा हमने, ये हमसे ले रहे उल्टे। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं ना, उससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो कैसा विकास होगा? कांग्रेस की सरकार ही तो 64 रुपए डीजल था, कांग्रेस की सरकार में 64 रुपए डीजल था, आज देखो 102 रुपए पेट्रोल और 94 रुपए डीजल है, ये महंगाई कहाँ से आई? वो कह रहे हैं कि ये जो महंगाई बढ़ रहा है ना, तो आने वाला दिन जो है ये आप लोगों के लिए और अच्छा होगा। अच्छा कैसा होगा जब इतनी महंगाई बढ़ा दी, ये हमारी खेती कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहा,
ये हमारी खेती जो है कॉन्ट्रैक्ट पे दे रही है अंबानी अडानी, उनके गोदाम बनवा दी सोनीपत में, कानून बाद में पहले गोदाम बनते हैं, ये इसीलिए सेठों से पैसा ले रखा है, सेठों से पैसा ले रखा है इसलिए कानून लाए हैं। अगर जो इन्हें वापस करते हैं, हम 35 रुपए किलो 40 रुपए किलो का बीज बोरे मारे गेहूँ ना 15 रुपए किलो मांग रहे हैं बनिए। मारता बुरा मारता बेकार आदमी कौन होगा? इन्होंने सारी चीनी का कट्टा 1700-1800 रुपए का, ये सीधा 5000 का कर दो, हमारा गन्ना 500 रुपए क्विंटल ले लो, किसान को कोई दिक्कत नहीं। हमारा गेहूँ आज की तारीख में 1500 रुपए क्विंटल बिक रहा है। बोई गेहूँ रामदेव पीस के उसका आटा 40 रुपए किलो बेच रहा, क्या उस वो 15 रुपए में उस रामदेव क्या चीज लगा रहा है उस आटे में? ये हमसे ये बतावे सरकार, हमारा गेहूँ 15 रुपए किलो, रामदेव आटा 40 रुपए किलो, कहाँ का हिसाब है ये? चलिए ठीक है, अब आप लोगों ने किसानों की बात की, बेरोजगारी की बात की, महंगाई पे बात किया, अब आप लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि यूपी में 2022 में जो राम मंदिर का जो मसला है वो कितना बड़ा मुद्दा रहेगा। योगी समाप्त, यूपी में योगी समाप्त, किसान मजदूर जान चुका है, ना मंदिर है ना मस्जिद है, हिंदू मुस्लिम सब एक है। इस इलेक्शन में सब जगह भंडारे हुए, ऐसा नहीं भगवान को नहीं, वो मुद्दा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा, इब नहीं चलेगा, कुछ भी दाव पेच इनके खत्म कर दिए सारे, इतना सा बच्चा हमारे घर में, इतना सा बच्चा भी समझ गया कौन क्या कर रहा है। हमने सब यूपी में भी बंगाल वाला खेल रहा होगा, खूब योगी सरकार मोदी सरकार खूब सुन ले, 22 में यूपी का बंगाल वाला खेला होगा, 24 में मोदी के लिए हम बंगाल वाला खेला हिंदुस्तान में करेंगे। कोई भी बस ज्यादा पैसे मत, ज्यादा पॉइंट मत बढ़ा। अच्छा अच्छा ठीक, नहीं नहीं नहीं, सवाल चलिए, एक तो जनता पागल हो गई, अन्य सरकार चलाना हमारा जो रोजा काम नहीं है, ये किसान का ही दर्द किसान जानता, ये किसानों का काम ने उठाया ना साहब महाराज बना दिया, महाराज उराज की सरकार नहीं होती है, ये हम लोग पागल हो गए थे पर अब का हम सतर्क हो जाएंगे, वैसे किसान को मजबूरी सतर्क हो जाएंगे। तो इन किसानों से बात कर एक चीज समझ में आ गया है कि जो मीडिया ने इन्हें बहकाने का काम किया, जो विपक्ष के लोग हैं जो इन्हें बरगलाने का काम किया, लेकिन अब ये लोग सतर्क हो गए, हिंदू मुसलमान का जो मुद्दे है इससे भी ये लोग होशियार हो गए, इसलिए अब जो यूपी का जो चुनाव होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा।